तीसरे मोर्चे को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। क्या तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट बीजेपी की चाल है? आगामी लोकसभा चुनाव के होने में अभी करीब एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन देश के सियासी गलियारों में मिशन 2019 को लेकर अभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अभी से ही रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। तीसरा मोर्चा इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है, मगर कांग्रेस को इसमें बीजेपी की चाल की बू आ रही है। दरअसल तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS प्रमुख और तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव ने हाल ही में तीसरे मोर्चे के गठन की पहल की है। राव की इस पहल को TMC प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई राजनीतिक दलों का साथ मिला, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस को कई मकसद दिख रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि ये विपक्ष को बांटने की बीजेपी की एक नई चाल है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो इस तरह के कदम से बीजेपी को चुनाव से पहले विपक्ष को तोड़ने में मदद मिलेगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बीजेपी ऐसा कर उसकी बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाने की कोशिशों में और राहुल गांधी को प्रस्तावित गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की राह में रुकावट डाल सकती है। इतना ही नहीं, तीसरे मोर्चे के लिए राव ने जिन क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क साधा है उनमें भी कांग्रेस को गड़बड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के ऐसा सोचने के पीछे बड़ी वजह भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं के तौर पर राहुल गांधी को स्वीकार करना नहीं चाहती हैं। कांग्रेस नेताओं का ये भी मानना है कि राव खुद तीसरे मोर्चे के नेता के तौर पर पेश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि चंद्रशेखर राव ये सब वोटरों को लुभाने और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। TRS को वैसे भी बीजेपी संग दोस्ताना संबंध रखने और कांग्रेस का विरोध करने वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस को तीसरे मोर्चे की कोशिशों के पीछे बीजेपी का हाथ होने का शक है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।